कई दिनों से रायबरेली जनपद में आरक्षण सूची को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के कयास थे। उन कयासों के बाद कल देर शाम आरक्षण सूची जारी की गई। इस सूची के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला, जिसको लेकर के हमारे महाराजगंज संवाददाता शिवम अवस्थी ने कुछ लोगों से खास चर्चा की। चर्चा के दौरान चाय की दुकानों में मौजूद लोगों ने आरक्षण सूची पे अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की। आइए आपको दिखाते हैं शिवम अवस्थी की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आपके साथ शिवम अवस्थी। रायबरेली जिले को बीबीआईपी जिला कहा जाता है, और बीबीआईपी जिला कहा जाता है इसका सीधा नतीजा कल देखने को मिला, जब दो दिनों से संभावित प्रत्याशी ब्लॉक के चक्कर लगा रहे थे और कल आखिरकार बीबीआईपी तरीके से ही कल रात में 9 बजे आरक्षण सूची का प्रकाशन हुआ। और इस समय मैं मौजूद हूँ महाराजगंज ब्लॉक के ठीक बगल में, यहाँ पर एक चाय की दुकान पर हैं। कल रात देर रात से ही सूची का प्रकाशन होने के बाद ही संभावित प्रत्याशियों में हलचल तेज हो गई, चाय की दुकान पर भी हलचल बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, इन्हीं से ये पूछते हैं कि अखिल आरक्षण सूची होने के बाद अब इन्हें कैसा लग रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? उमेश कुमार, प्रधान प्रतिनिधि जीवना। अच्छा, प्रधान रह चुके हैं आप? जी, मेरी पत्नी प्रधान। अच्छा, आपकी पत्नी प्रधान है? जी, मेरी। देर रात आरक्षण सूची जारी हुई है, इंतजार तो लंबा करना पड़ा, कैसा लग रहा है आरक्षण सूची हो जारी हुई? आरक्षण सूची हो जाने के बाद अच्छा लग रहा है, चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारी करना है, शासन की मंशा थी, तो कोई कागज त्रुटि रही होगी इसीलिए लेट लपेट हो गया। हाँ, लेकिन ये जो दो दिन का प्रक्रिया चला, यहाँ पर देखे हजारों की संख्या में लोग आते थे, रात देर रात तक लोग डटे रहते थे, तो आप कहीं ना कहीं कुछ संशय तो था आरक्षण को लेकर, आरक्षण से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं आरक्षण से। अच्छा, आरक्षण से आपको खुशी है? हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? किशन सिंह। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं आरक्षण के बाद, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और कल आने के बाद बहुत खुशी हुई कि हमें पुनः गांव गांव का विकास करने का मौका मिलेगा। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं क्या? जी हाँ, प्रत्याशी घुरौना ग्राम सभा से। अच्छा, घुरौना से। तो आरक्षण सूची में जो देरी हुई, इसके लिए क्या कहेंगे? रात में या रात में आपको आरक्षण सूची का प्रकाशन हुआ, रात में आपको मिला, आज शायद ब्लॉक में लिस्ट चस्पा हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? काफी देर रात में आपको सूचना मिली, संशय था कि नहीं कहीं कुछ मन में? मेरे अंदर संशय था, कहीं प्रशासन द्वारा फेरबदल तो नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों ने बताया, मैंने बात किया तो ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है। समय लग गया, कहीं पता चला कि SDM साहब नहीं है, फिर पता चला SDO साहब नहीं है, उसके बाद कल मैं यही था, मुझे 9:30 बजे पता चला है कि आपके यहाँ सम्मान सीट हो गई। अच्छा, हमारे साथ ये भी था भाई साहब, मोदी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं राजकुमार लोधी बोल रहा हूँ। आरक्षण सूची जारी होने में कितना संतुष्ट हैं आप? हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि देरी से हुआ जरूर निर्णय, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय हुआ। अच्छा, क्या सीट हुई आपके यहाँ? सीट हमारे यहाँ हरजन सीट हुई है। अच्छा, इसीलिए आपको खुशी लग रही है? हमें बड़ी खुशी है कि जो अजमनसस हमारे मोहन ग्राम सभा बना था वो खत्म हो गया। अच्छा, इससे पहले कौन सी सीट थी? इससे पहले सामान सीट थी। क्या दावेदारी भी ठोक रहे हैं क्या आप? नहीं, दावेदारी नहीं हम ठोक रहे हैं, लेकिन अब दावेदारी तो बैकवर्ड आती तो हम ठोकते। अच्छा, लेकिन फिलहाल अब क्योंकि अब SC सीट हुई, लेकिन उससे मुझे भी खुशी है, मतलब बहुत खुशी है, अपार खुशी है। आरक्षण सूची में देर हो गई, कहीं क्या कुछ डर लग रहा था क्या? नहीं नहीं, हमको तो कोई डर नहीं, हमको ये नहीं डर रहा था, हमको ये हम खुशी हो रही थी कि आरक्षण में इसलिए लेट हुआ है क्योंकि सही आरक्षण देंगे इसलिए लेट किया गया है। अच्छा, ऐसा नहीं। देर रात रायबरेली जिला बीबीआईपी जिला भी कहा जाता है, तो बीबीआईपी तरीके से आरक्षण सूची का प्रकाशन भी हुआ यहाँ पर? जी, यहाँ पे मतलब जैसा कि बीबीआईपी। आपने कितने चक्कर लगाए ब्लॉक के? नहीं, हम तो चक्कर लगाए, कई आए यहाँ देखे तो पता लगा, पूछे BDO साहब से, पूछे ADO पंचायत से, पूछे तो उन्होंने कहा कि भाई नेताजी लेट हो रहा है, लेकिन सूची आपके मुआफिक होगी। चाय की दुकानों पर चुस्कियों को लेने का मौका मौसम आ गया है? जी, चाय की दुकानों पे, होटलों पे, जगह जगह जो इस समय चर्चा हो रही है कि रायबरेली में लेट जरूर हुआ, मतलब प्रकाशन सूची पे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग खुशी है, मतलब छोटे लोगों की भी खुशी है, सबको। अच्छा, आरक्षण संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। कहीं पर कुछ लोगों को खुशी कहीं पर खुशी कहीं कम तो है ही, किसी को खुशी है तो किसी को गम, लेकिन आप खुश हैं? लेकिन हम खुश हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग थे जिनसे बात की। आरक्षण सूची जारी होने के बाद कुछ प्रत्याशियों में खुशी का माहौल है, तो कुछ लोगों में गम का माहौल व्याप्त है।